हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू हाइड अ फोल्डर। हम फोल्डर को हाइड कैसे करते हैं। टॉपिक में आगे चलने से पहले आप लोग सबसे पहले प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यूनिक कंप्यूटर क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोस अपडेट। आप सब लोग का एक बार फिर से यूनिक कंप्यूटर क्लासेस के यूनिक टेक में स्वागत है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम दो तरीके से बताएंगे कि फोल्डर को हाइड कैसे करते हैं। तो पहला ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर यूनिक नाम का क्रिएट हो गया। अब हमने ओपन किया। अब हम एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे यूनिक कंप्यूटर क्लासेस का नाम का। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यूनिक कंप्यूटर क्लासेस नाम का एक फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया है। अब हम इसको हाइड करके बताएंगे। तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं इसके दो एट्रीब्यूट आ गए हैं, एक है रीड ओनली और दूसरा है हिडन। तो ये हिडन के चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा फोल्डर हाइड हो गया है। तो अब हम फोल्डर को वापस कैसे लाएंगे। व्यू में जाएंगे, ये देख सकते हैं व्यू में गए और अब हम जाएंगे ये हिडन आइटम पे क्लिक करेंगे। हिडन आइटम पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप स्क्रीन पर यूनिक कंप्यूटर क्लासेस नाम का फोल्डर हमारा वापस आ गया। अब हम इसकी सेटिंग फिर से डिफॉल्ट में लगा देंगे। डिफॉल्ट में लगाने के लिए हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हिडन पे हटा देंगे और टिक और अप्लाई कर देंगे और ओके कर दिया। हमारी सेटिंग डिफॉल्ट हो गई। तो ये हमारी आज की पहली ट्रिक हुई। अब हम दूसरी ट्रिक बताएंगे। अब दूसरी ट्रिक बताने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दूसरी ट्रिक बताते हैं आपको। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर यूनिक नाम का फोल्डर है। अब राइट क्लिक करेंगे इस पे। हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये देख सकते हैं एक कस्टमाइज नाम का मेन्यू बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब इसके नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं ये चेंज आइकन लिखा हुआ है, चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक ब्लैंक फोल्डर ओके कर लेंगे, अप्लाई किया, ओके किया। देख सकते हैं मेरा फोल्डर गायब हो गया है, बस लेकिन यूनिक नाम का फोल्डर लिख के आ रहा है। अब यूनिक को हटाने के लिए हटाया। अब हमें लिखना पड़ेगा alt plus 255। क्या लिखना है एक बार हम आपको बता देते हैं। alt plus 255 बटन का यूज करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या यूज करना है, alt plus 255। फिर से यूनिक पे जाएंगे, रीनेम करेंगे। रीनेम करने पर यूनिक नाम हटा देंगे। अब लिखेंगे आर्ट 255, हमने क्लिक करा और इंटर कर दिया। अब देख सकते हैं हमारा फोल्डर स्क्रीन से हाइड हो गया है, लेकिन जबकि हमारा फोल्डर स्क्रीन पर है। तो ये देख सकते हैं मेरा फोल्डर स्क्रीन पर है, लेकिन अब हमें शो नहीं हो रहा है। तो हमने आज आपको बताया फोल्डर को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुई। एंड Once again, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you so much.